महिलाओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो किया है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, आज उनके कारण आज हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक बन चुकी हैं, डॉक्टर बन चुकी हैं, कलेक्टर बन चुकी हैं। ये किनकी देन है? बाबा साहब की देन है, न कि किसी देवी देवता की देन है। क्योंकि साथियों, आप जानते हो हमारा इस देश के अंदर दलित समाज 4000 साल से गुलाम रहा। कहाँ थे वो देवी देवताएं जो हमारे मुंह पे मटके बांधी हुई थी और पीछे झाड़ू लटकी हुई थी? कहाँ गए थे वो? और तब हमारे बाबा साहब आए और बाबा साहब ने इतने संघर्ष किया कि हमारी माताओं बहनों को कलेक्टर से मुख्यमंत्री तक बनाया। तो ये बाबा साहब की देन है। आज मैं माता बहनों को इसीलिए गाना सुनाना चाहता हूँ कि अंधविश्वास से दूर रहें और बाबा साहब की बात मानें। सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, शिक्षित बनाने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि किसी से युद्ध करो। संघर्ष का मतलब है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, नौकरी या पढ़ाई या MBBS बनने के लिए आपको संघर्ष इतना करना होगा कि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ के ऊपर गाना गाना चाहता हूँ। अगर जो बाबा साहब संविधान ना लिखते तो हमारे देश की क्या हालत होती?